Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. आज की वीडियो में यूपी JBRNL प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जो रिसेंट एग्जाम हुए थे, उस एग्जाम के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका एक सीरीज हमने चलाया हुआ. तो आज के वीडियो में उस सीरीज के आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 71 हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 71 है. क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है, वो आप रेफर कर सकते हैं. 71 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, इन कारपेंट्री डैश इज जनरली यूटिलाइज्ड फॉर मेजरिंग एंड चेकिंग ऑफ स्क्वायरनेस, परपेंडिकुलरिटी, डायमेंशंस, टेस्टिंग ऑफ फिनिश ऑफ प्लेन सरफेस एंड ड्रॉइंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस. डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें ऑप्शन कह रहा है हैक्सॉ, चिजल्स, नाइफ एज, फाइल्स, ट्राई स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कारपेंट्री में मेजरिंग एंड चेकिंग ऑफ स्क्वायरनेस, मतलब स्क्वायरनेस मेजर और चेक करने के लिए, साथ में परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए, डायमेंशन चेक करने के लिए, टेस्टिंग ऑफ फिनिश ऑफ प्लेन सरफेस है उसकी टेस्टिंग और फिनिश को चेक करने के लिए, और पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस, लाइक पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा डिवाइस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. तो इसमें हैक्सॉ कटिंग के लिए यूज होता है, एज यू नो. चीजल्स, आपको पता ही है चीजल्स किस चीज के लिए यूज होता है. नाइफ एज, फाइल, ये भी फाइलिंग के लिए यूज होता है. ट्राई स्क्वायर, डियर स्टूडेंट, इज द राइट ऑप्शन. ट्राई स्क्वायर अगर आपने कभी देखा होगा तो इस टाइप का एक 90 डिग्री, इस टाइप का ये एक डिवाइस होता है, इसको हम बोलते हैं ट्राई स्क्वायर. इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर. इससे बेसिकली हम ये सारा काम कर सकते हैं, मेजरिंग एंड चेकिंग ऑफ स्क्वायरनेस, स्क्वायर इसके सरफेस के साथ मीट करा के स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं, और सिमिलरली इंटरनल सर्फेसिस को मीट करा के हम परपेंडिकुलरिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होता है. डायमेंशन टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे मार्किंग वगैरह कई बार होता है, तो डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं. टेस्टिंग ऑफ फिनिश ऑफ प्लेन सर्फेसिस, क्योंकि ये सर्फेस प्लेन होता है तो इससे हम सर्फेसिस की फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं. ड्रॉइंग पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस, ये सरफेस, ये एज हम परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, और ये वाला पैरेलल लाइंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे. सो कुल मिला के ट्राई स्क्वायर ये इसके लिए एग्जैक्ट ऑप्शन आंसर होगा, तो ट्राई स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ट्राई स्क्वायर विल बी द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है द स्टैंडर्ड एडेंडम ऑफ गियर टूल. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है द स्टैंडर्ड एडेंडम ऑफ गियर टूथ इज इक्वल टू. कह रहा है एडेंडम क्या होता है डियर स्टूडेंट, एडेंडम तो आपको याद रखना होगा कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ 0.8 टाइम्स द मॉड्यूल ऑफ गियर, ट्वाइस ऑफ द मॉड्यूल ऑफ गियर, हाफ ऑफ द मॉड्यूल ऑफ गियर एंड द मॉड्यूल ऑफ गियर. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एडेंडम समझना होगा. ये मान लो गियर टीथ है, राइट, तो ये गियर टीथ है, तो ये पिच सर्कल है. ये क्या है हमारा पिच सर्कल है, ये हमारा क्या है पिच सर्कल है, और ये जो टॉप से जो सर्कल जाता है इसको एडेंडम सर्कल बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, एडेंडम सर्कल, इसको बोलते हैं एडेंडम सर्कल. तो एडेंडम सर्कल और पिच सर्कल के बीच में जो ये रेडियल डिस्टेंस है इसी को एडेंडम बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, एडेंडम बोलते हैं, एडेंडम. और जो पिच सर्कल और रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल के बीच का जो रेडियल डिस्टेंस है इसको ये डिस्टेंस डिडेंडम कहलाता है, डिडेंडम कहलाता है, राइट. सो एडेंडम जो होता है ये हमेशा मॉड्यूल के बराबर होता है. एडेंडम हमेशा गियर टर्मिनोलॉजी में एडेंडम इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड्यूल. मॉड्यूल क्या होता है डियर स्टूडेंट, मॉड्यूल होता है पिच सर्कल डायमीटर बाय नंबर ऑफ टीथ. तो ये पिच सर्कल डायमीटर, ये मॉड्यूल गियर के साइज को रिप्रेजेंट करता है कि गियर कितना किस साइज का है, छोटा है, बड़ा है. तो ये डायरेक्टली इक्वल टू होता है एडेंडम के. तो एडेंडम हमेशा मॉड्यूल के इक्वल होता है, ये यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. सो मॉड्यूल ऑफ द गियर इज द राइट आंसर, राइट. सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको इरेज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हमारा, दिस इज द 33 क्वेश्चन नंबर, द टेम्परेचर रेंज. ये क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट,
ये कह रहा है कि द टेम्परेचर रेंज वेयर इन द सोल्डरिंग प्रोसेस अकर्स इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर टू 15 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर थ्री 900 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर फोर 1200 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट आपको अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो 180 डिग्री टू 250 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। 180 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री सेल्सियस से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक का जो एक टेम्परेचर रेंज है ये आइडियल होता है सोल्डरिंग के लिए, क्योंकि सोल्डरिंग में बहुत ज्यादा टेम्परेचर, अनलाइक वेल्डिंग एंड ब्रिजिंग, इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 180 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज सफिशियंट टू परफॉर्म सोल्डरिंग प्रोसेस। 15 से 60 तो हो नहीं सकता, 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस और 1200 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रेंज वेल्डिंग का हो जाता है, और तो ये ऑब्वियसली वेल्डिंग वाला हमारा होगा नहीं। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन इज 180 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इसको इरेज करते हैं। Now, question number 74 करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ W इज द वेट टू बी लिफ्टेड, ये वेट लिफ्टेड W है टू बी लिफ्टेड, एंड P इज द एफर्ट अप्लाइड, इस डायग्राम में P ये है, P इज द एफर्ट अप्लाइड, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज, velocity ratio of the following systems, dear student इसमें क्या कह रहा है? velocity ratio निकालना है। तो velocity ratio का formula होता है vr का, distance moved by effort by distance moved by load, ये formula होता है as you know, distance moved by load, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड हो जाएगा, राइट। सो वेलोसिटी रेशियो यहां पे डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इन वन रोटेशन ये होता है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इन वन रिवॉल्यूशन और वन रोटेशन, राइट। सो आपको साफ दिख रहा होगा ये एफर्ट अगर एक रोटेशन करेगा, अगर ये एक रोटेशन करेगा तो पाई डी के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सरकमफेरेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पाई डी। तो ये हो जाएगा कैपिटल डी पाई डी, और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड ये अगर वन रिवॉल्यूशन करेगा तो ये अपना एक सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पाई डी, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। सो वेलोसिटी रेशियो विल बी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। So, P by W option number 1 नहीं होगा, W by P नहीं होगा, small d by capital D is not the right answer, capital D by small d is the right answer। So, I hope आपको clear हो गया होगा, right? ये question velocity ratio find करने के लिए बोला हुआ था, right? इसको erase करते हैं। Okay, next question पे चलते हैं। Next question हमारा क्या है? Question number 75 करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 75 हमारा ये है, कह रहा है कि कैम विद नाइफ एज फॉलोअर इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए स्फेरिकल पेयर, ऑप्शन नंबर टू स्क्रू पेयर, ऑप्शन नंबर थ्री लोअर पेयर एंड ऑप्शन नंबर फोर हायर पेयर। डियर स्टूडेंट अगर मैं कैम की बात करूं, ये मान लो कैम है और ये नाइफ एज फॉलोअर इस पे लगा हुआ, ये नाइफ एज फॉलोअर लगा हुआ है इस पे, तो ये ऊपर नीचे मोशन करेगा टू एंड फ्रो कैम के रोटेशन से। तो ये नाइफ एज फॉलोअर कैम के साथ, ये फॉलोअर है, ये फॉलोअर है और ये कैम है। एज यू नो कैम और फॉलोअर मैकेनिज्म रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है जनरली। सो यहां पे पॉइंट कॉन्टेक्ट है, कौन सा कॉन्टेक्ट है? पॉइंट कॉन्टेक्ट है। अगर नाइफ एज फॉलोअर है तो पॉइंट कॉन्टेक्ट बनेगा, और आपको पता है कि पॉइंट कॉन्टेक्ट में किस टाइप का पेयर होता है? पॉइंट कॉन्टेक्ट में हायर पेयर होता है, तो इसका आंसर हायर पेयर हो जाएगा, राइट। सो पॉइंट कॉन्टेक्ट या और लाइन कॉन्टेक्ट भी अगर होगा तो लाइन कॉन्टेक्ट और पॉइंट कॉन्टेक्ट वाले हमेशा हायर पेयर होते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। थ्योरी ऑफ मशीन में आपको ये याद रखना है कि जो मैकेनिज्म है, अगर मैकेनिज्म में पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट हो रहा है तो हायर पेयर है, और अगर सरफेस कॉन्टेक्ट हो रहा है तो लोअर पेयर होता है। हायर पेयर के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? गियर ड्राइव, बेल्ट एंड रोप ड्राइव, ठीक है, इसके बाद कैम एंड फॉलोअर,
तो दीज आर ऑल बॉल एंड बियरिंग, बॉल बियरिंग, ठीक है, ये सारे क्या हो सकते हैं, हायर पेयर वाले हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कॉन्टेक्ट या लाइन कॉन्टेक्ट बनाते हैं, बट लोअर पेयर वाले हमेशा सर्फिस कॉन्टेक्ट बनाते हैं। ये आपको जैसे स्लाइड्स वगैरह, मशीन के स्लाइड्स हो गया, या एक स्क्वायर, एक स्क्वायर रॉड है जो एक स्क्वायर होल में स्लाइड कर रहा है, ये सारे लोअर पेयर हो सकते हैं, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट कॉन्टेक्ट बनाएगा नाइफ एज फॉलोअर कैम के साथ, इसीलिए ये हायर पेयर है, राइट। ओके लेट्स इरेज इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, द स्टेटमेंट इज नोन एज, ऑप्शन नंबर 1 ग्रेविटेशनल लॉ, ऑप्शन नंबर 2 लॉ ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एंड ऑप्शन नंबर 4 आर्किमिडीज लॉ। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे तो कह रहा है कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है ना, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं इंजीनियरिंग में। सो इन दोनों एनर्जी का सम को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और कह रहा है कि दोनों एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट फिर बोल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के ई प्लस पी ये हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, के ई प्लस पी मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो अगर के ई प्लस पी कॉन्स्टेंट है तो इट मीन्स मैकेनिकल कॉन्स्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। सो मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट का मतलब है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, तो ये याद रखना, इसमें ग्रेविटेशनल लॉ नहीं हो सकता, लॉ ऑफ नेचर नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम मैकेनिकल एनर्जी होता है, और ये टोटल एनर्जी कंजर्व की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ये, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिफोर वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स इरेज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स द वर्कपीस रेसिप्रोकेट्स व्हाइल द कटिंग टूल रिमेन्स स्टेशनरी ड्यूरिंग कटिंग। ये कह रहा है कि इनमें ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है शेपर, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है मिलिंग, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है ग्राइंडिंग, एंड ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है प्लेनर। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन द वर्कपीस रेसिप्रोकेट्स, कह रहा है वर्कपीस रेसिप्रोकेट हो रहा है जबकि कटिंग टूल स्टेशनरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेनर एक ऐसा ऑपरेशन है जहां पे वर्कपीस रेसिप्रोकेट करता है। ये मान लो वर्कपीस है, ये मान लो वर्कपीस है, तो ये वर्कपीस रेसिप्रोकेट करेगा और जो टूल होता है, ये टूल स्टेशनरी रहता है, ये स्टेशनरी रहता है, तो टूल स्टेशनरी होगा, वर्कपीस रेसिप्रोकेट करता है, लेकिन इसका तो ये प्लेनर होगा। इसका उल्टा, अगर वर्कपीस फिक्स रहे, स्टेशनरी रहे, और टूल मूव करे, टूल रेसिप्रोकेट करे, तो वो शेपर होता है। डियर स्टूडेंट, शेपर की और प्लेनर में यही डिफरेंस है कि शेपर में वर्कपीस फिक्स्ड होता है, टूल रेसिप्रोकेट करता है, और प्लेनर में वर्कपीस रेसिप्रोकेट करता है, टूल फिक्स होता है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि शेपर में क्या होता है कि वर्कपीस की लंबाई अगर बहुत ज्यादा हो तो हम तो फिर टूल को बहुत ज्यादा, टूल का स्ट्रोक बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो इतने स्ट्रोक में वो चूंकि कैंटिलीवर बीम की तरह एक्ट करता है, उसका जो रैम होता है वो कैंटिलीवर बीम की तरह एक्ट करता है, तो इतने लंबे वर्क पीस को वो कट करने के लिए अगर वो पूरा बाहर निकलेगा तो उसमें एक्सेसिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है और उसमें एक्यूरेसी भी नहीं मिलेगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर लंबे वर्क पीस है तो उस केस में शेपर वाला कॉन्सेप्ट ना अडॉप्ट करके प्लेनर वाला वर्कपीस अडॉप्ट करते हैं, कि वर्कपीस को ही रेसिप्रोकेट करा देते हैं, टूल को स्टेशनरी रख देते हैं, इससे हमारा जो स्ट्रोक लेंथ है टूल का, वो रैम का साइज बढ़ाना नहीं पड़ता और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो वर्कपीस रेसिप्रोकेट, टूल फिक्स इज योर प्लेनर प्रोसेस। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर द लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मशीन्स, गिवन दैट एफर्ट इज इक्वल टू पी, लोड इज इक्वल टू डब्ल्यू, एम एंड सी आर कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस सी,
P is equals to MW plus C. Option number 3, W is equals to PM minus C. Option number 4, P is equals to MW minus C. Dear students, ये law of machine की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? Law of machine. Law of machine के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक straight line का जो equation होता है ना, उसको follow करता है. P is equals to MW plus C होता है. ये straight law of machine होता है. Law of machine का अगर मैं graph draw करूं, तो ये x axis पे W होगा, y एक्सिस पे p होता है. p क्या है? एफर्ट. और w क्या है? लोड है. w क्या है? लोड है. और p क्या है? एफर्ट है. तो अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो y प्लस y इज इक्वल टू mx प्लस c का जो जैसा इक्वेशन होगा, ऐसा ही p इज इक्वल टू mw प्लस c का होगा. mw प्लस c, इसमें ये स्लोप m हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप m हो जाएगा. ये जो सेट ऑफ कट किया हुआ ऑफसेट y एक्सिस पे p पे, ये c हो जाएगा. और ये आपका इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मशीन कहलाता है. सो लॉ ऑफ मशीन का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ये है, और मैथमेटिकल इसका इक्वेशन क्या होता है? mw plus c. m क्या है? उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप. और c क्या है? कांस्टेंट है, जो कि p वाले एक्सिस पे कट ऑफ सेट ऑफ हो रहा है, जो ये ऑफसेट कट कर रहा है, राइट. सो आई इसके अकॉर्डिंग p is equals to mw plus c will be the right answer. मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 कैलकुलेटिव है. ये आसान सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा हुआ. कह रहा है एक 1500 mm लॉन्ग सर्कुलर रॉड है. ये सर्कुलर रॉड है, इसकी लंबाई दे दिया है 500 mm सर्कुलर रॉड है. क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया 200 mm स्क्वायर है, राइट. और कह रहा है कि इंक्रीजेज इन लेंथ बाय 0.3 mm व्हेन सब्जेक्टेड टू 12 kN. जब 12 kN का लोड इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे 12 kN का लोड अप्लाई करेंगे, तो एक्सटेंशन कितना होता है? अगर मैं एक्सटेंशन को एक अलग कलर से दिखाना चाहूं, तो ये एक्सटेंशन कितना होता है? एक्सटेंशन हो रहा है 0.3 mm. टेंसाइल लोड है, कह रहा है व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई निकालने के लिए बोल रहा है. डियर शुड, तो आपको पता है कि ई क्या होता है? ई होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस यहां पे क्या होगा? स्ट्रेस होगा. इसमें अगर आप देखोगे तो यंग्स मॉडुलस को गीगा पास्कल में बता रहा है, ओके. तो अपने को पहले पास्कल में निकालना है, फिर गीगा पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे. स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स. फोर्स कितना है? 12 kN है, तो 10^3 अपॉन एरिया. एरिया क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 200 mm square. तो ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गया, राइट. न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गया, राइट. और अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, तो स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल बाय एल. चेंज इन लेंथ क्या है? 0.3. और लेंथ कितना है? ऑलरेडी एमएम है 500. नाउ सो देयरफॉर यंग्स मॉडुलस ई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 × 10^3 by 200 upon 0.3 by 500. इन दोनों को पूरे को सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट, तो ये आएगा 90 × 10^3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगा. और आपको पता है कि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मेगा पास्कल होता है, तो इसको 90 × 10^3 मेगा पास्कल लिख सकते हैं. और मेगा पास्कल है और 10^3 मिलके गीगा पास्कल हो जाएगा, तो 90 GPa हो जाएगा. सॉरी, ये 100 GPa आएगा डियर स्टूडेंट. ये क्या आएगा? 100 GPa आएगा. एक बार ये आप कलेक्ट कर इसको सॉल्व कर लेना, ये 100 × 10^3 आएगा. 100 × 10^3 को 100 GPa बोल सकते हैं, तो ये 100 GPa आ जाएगा यंग्स मॉडुलस. इसका ऑप्शन 120 नहीं होगा, 100 होगा. 100 GPa, 110 नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा. सो सिंपल स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेन निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया. और थोड़ा यूनिट का ध्यान रखा, क्योंकि इसमें गीगा पास्कल में ऑप्शन कह रहा है, तो हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में निकालेंगे. न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मेगा पास्कल होता है, और फिर उसको 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा गीगा पास्कल आ जाएगा, राइट. ओके, फाइन. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है,
ये क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि डैश इज अ मशीनिंग प्रोसेस परफॉर्म बाय रोटेटिंग अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल टू जेनरेट द सरफेस बाय प्रोग्रेसिव चिप रिमूवल. ऑप्शन नंबर 1 मिलिंग, ऑप्शन नंबर 2 ग्राइंडिंग, ऑप्शन नंबर 3 शेपिंग एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टर्निंग. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मल्टी पॉइंट कटिंग टूल अगर की बात करें तो इसमें मिलिंग ही हो सकता है और या ग्राइंडिंग हो सकता है. ग्राइंडिंग भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, शेपिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और टर्निंग भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है. तो ये दो ही होगा, मिलिंग या ग्राइंडिंग. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि मशीनिंग जनरेट द सर्फेस बाय प्रोग्रेसिव, कह रहा है मशीनिंग प्रोसेस कौन सा है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, तो फिर ग्राइंडिंग नहीं हो सकता क्योंकि ग्राइंडिंग फिनिशिंग ऑपरेशन है, मिलिंग होगा. और वैसे भी आपको मिलिंग में पता है कि मिलिंग कटर होता है जो कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है और वो वर्कपीस के साथ कॉन्टैक्ट बनाकर प्रोग्रेसिवली चिप को रिमूव करता है और एक मल्टीपल टाइप ऑफ सर्फेसिस प्रोड्यूस करता है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मिलिंग होगा क्योंकि मिलिंग कटर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल मशीनिंग ऑपरेशन है. सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई होप ये क्लियर होगा आपको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 81, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्लियरेंस प्रोवाइडेड इज ऑप्शन नंबर 1 ओनली ऑन पंच, ऑप्शन नंबर 2 ओनली ऑन डाई, ऑप्शन नंबर 3 ओनली ऑन पंच एंड डाई, ऑप्शन नंबर 4 ऑन पंच और डाई डिपेंडिंग ऑन डिजाइनर्स डिसीजन. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ब्लैंकिंग और पंचिंग समझना होगा. मान लो ये एक शीट है, ये शीट है मान लो इस रेक्टेंगुलर शीट में से मुझे एक सर्कुलर शीट कट करके और ये जो बचेगा ना ये हमारा डिजायर्ड है, ये अगर हमारा डिजायर्ड है तो ये प्रोसेस ब्लैंकिंग कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा? ब्लैंकिंग. मुझे इतना पीस कट करना है और ये वाला जो पीस है ये जो बच गया ये डिस्कार्ड हो जाएगा. अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो इसको ब्लैंकिंग बोलते हैं. लेकिन अगर ऐसा हो कि यही सेम आपकी प्लेट है, आपको सिर्फ इतना बड़ा होल करना है और इसको डिस्कार्ड करना है, इसको क्या करना है? डिस्कार्ड करना है. और ये जो बच गया, ये जो बचा, ये आपका डिजायर्ड है. तो समझ लो ये ऑपरेशन पंचिंग ऑपरेशन है. ये कौन सा ऑपरेशन है? पंचिंग ऑपरेशन है. पंचिंग में ये वाला स्क्रैप हो जाएगा और ये जो बच जाएगा वही डिजायर्ड होगा. लेकिन इसका उल्टा ब्लैंकिंग में क्या होगा? जो कट के निकलेगा वही डिजायर्ड होगा और बाकी डिस्कार्ड हो जाएगा. तो ये बेसिक डिफरेंस है. नाउ इसमें पंच और डाई का रोल होता है. ब्लैंकिंग हो या पंचिंग हो, पंच और डाई का रोल होता है. तो आप सबसे पहले ये याद रखना है कि जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में जो ब्लैंक का साइज होता है वो डाई के साइज के बराबर होता है. ब्लैंक साइज इज इक्वल टू डाई साइज. तो इसीलिए डाई का साइज तो फिक्स हो गया क्योंकि ब्लैंक का साइज हमारे पास फिक्स है. जो अपने को साइज चाहिए वो तो फिक्स है, तो डाई का साइज फिक्स हो गया. तो टॉलरेंस क्लियरेंस किस पे प्रोवाइड करेंगे? पंच पे. हमेशा क्लियरेंस किस पे प्रोवाइड करेंगे? पंच पे. तो याद रखना पंच पे प्रोवाइड होगा. तो इसमें ओनली ऑन पंच हो जाएगा राइट आंसर. नाउ पंच पे जो प्रोवाइड करेंगे तो पंच का साइज क्या हो जाएगा? डाई साइज माइनस टू इंटू क्लियरेंस. ये हो जाएगा पंच का साइज. हमेशा क्या होगा इसमें? डाई साइज माइनस टू इंटू क्लियरेंस. लेकिन इसका उल्टा अगर हम पंचिंग कर रहे हैं, पंचिंग में पंच का साइज फिक्स हो जाता है क्योंकि जिस साइज का होल चाहिए उसी साइज का पंच बनाएंगे. तो पंचिंग में जो पंच का साइज है पंच फिक्स हो जाता है. पंचिंग में क्या हो जाता है? पंच फिक्स हो जाता है. तो इसीलिए डाई पे क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं. और डाई का साइज क्या होगा पंचिंग में डाई साइज क्या होगा? पंच साइज प्लस टू इंटू क्लियरेंस. ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां से क्लियर हो गया कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में सिर्फ पंच पे क्लियरेंस प्रोवाइड कराएंगे और कितना कराएंगे? तो पंच हमेशा क्या होगा? पंच होगा डाई साइज माइनस टू इंटू क्लियरेंस. लेकिन इसके उलट अगर हम
पंचिंग की बात करें तो पंचिंग में हम डाई पे टॉल क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे और वो डाई साइज हमेशा क्या होगा, पंच साइज प्लस 2 इंटू क्लियरेंस, जैसा कि यह मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर ओनली ऑन पंच होगा, ये कई बार एग्जाम में आया होगा, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स क्लियर इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 81 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर चेकिंग 90 डिग्री ऑन द वुडन पीस। ये अभी जस्ट हमने किया था, वही आ गया, कह रहा है स्क्राइबर, वी ब्लॉक, ट्राई स्क्वायर, बैंड सॉ। ऑब्वियसली ट्राई स्क्वायर हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर से परपेंडिकुलरिटी या 90 डिग्री चेक करते हैं, 90 डिग्री चेक करने के लिए ये ट्राई स्क्वायर यूज करते हैं हम वुडन वर्क में, तो ये हो जाएगा। स्क्राइबर से नहीं, स्क्राइबर तो मार्किंग के लिए यूज करते हैं, वी ब्लॉक रेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, इस टाइप का एक ब्लॉक होता है जिसको वी ब्लॉक बोलते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। ट्राई स्क्वायर होगा बैंड शॉ तो कटिंग के लिए यूज करते हैं, तो ट्राई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो ट्राई स्क्वायर विल बी द राइट आंसर, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है डिस्टेंस द कोर ऑफ द बिट, क्या कह रहा है, द कोर ऑफ द बिट ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट माइल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर 2 एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर 3 कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर 4 कॉपर। डिस्टेंस कह रहा है कि जो सोल्डरिंग आयरन होता है, ये सोल्डरिंग आयरन है, ये सोल्डरिंग आयरन है, ये होल्डिंग के लिए यूज करते हैं। सोल्डरिंग आयरन के पास जो इस टाइप का एक बिट होता है ना, ये बिट कह रहा है कि ये जो बिट होता है ना, बिट, ये बिट किस मटेरियल का होता है, इसका कोर किस मटेरियल का बना होता है, द कोर ऑफ द बिट ऑफ द सोल्डरिंग आयरन इज मेड अप ऑफ। तो ऑलवेज रिमेंबर ये कॉपर का बना होता है, ये कॉपर का बना होता है, वाई, बिकॉज कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है और यहाँ पे हीट कंडक्टिविटी ही अपने को चाहिए, क्योंकि यही हीट बेसिकली क्या करेगा, सोल्डर को मेल्ट करेगा और सोल्डर को मेल्ट करके फाइनली सोल्डरिंग कर पाएगा। तो ये कॉपर का बना होता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बेटर होती है, तो कॉपर इज द राइट आंसर, राइट, कॉपर इज द राइट आंसर। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि सोल्डरिंग आयरन में जो कोर का बिट होता है वो कॉपर का बना होता है, राइट, फाइन, इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 डी स्टूडेंट क्या कह रहा है, कह रहा है टेट्रागोनल सिस्टम हैज, क्या कह रहा है, टेट्रागोनल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम हैज। देखो टेट्रागोनल सिस्टम किसको बोलते हैं, अगर आप सब इसमें ऑप्शन कह रहा है 12 एजेस, 4 फेसेस, 8 edges, 6 corners. सबसे पहले आपको material science का ये tetragonal system समझना होगा। Tetragonal system ऐसा होता है, ये है y, ये है x और ये है z. x के along ये होता है a, ये origin है, ये होता है b और z के along c होता है, right? ये होता है interfacial angle alpha, ये होता है interfacial angle beta और ये interfacial angle होता है gamma, right? तो अगर a इज इक्वल टू बी एंड दैट इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब इन तीन में कोई दो बराबर होना चाहिए, मतलब a और b तो बराबर है बट दैट इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गामा ये सारे 90 डिग्री होने चाहिए, मतलब ये a b c तीनों परपेंडिकुलर है, अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो इसको टेट्रागोनल सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल सिस्टम। तो ऐसा अगर सिस्टम हम बनाते हैं तो हमारा कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा, ये बन जाएगा टेट्रागोनल, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा, राइट। तो यहां पे कह रहा है कि 12 एजेज होते हैं, तो ऑब्वियसली ये 4 एज ऊपर वाला, 4 एज नीचे वाला और 4 वर्टिकल वाला, 12 एजेस इज द राइट आंसर। 4 फेसेस, नो 4 फेसेस नहीं होगा, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, 6 फेसेस होता तो 6 फेसेस हो सकता था बट 4 फेसेस नो। 8 एजेज, एजेज कितने, 1 2 3 4 और एजेज हमारे पास कितने, ऑब्वियसली 12 एजेज है तो 8 एजेज नहीं हो सकते। 6 कॉर्नर नहीं, 8 कॉर्नर है हमारे पास, 1 2 3 4, अगर 8 कॉर्नर होता तो दैट मे बी द राइट आंसर, बट यहां पे 12 एजेज होगा तो 12 एजेज इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, 12 एजेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ ऑटोकैड ड्रॉइंग। ऑटोकैड जो डिजाइन सॉफ्टवेयर है, ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसके फाइल का एक्सटेंशन ऑलवेज DWG होता है डियर स्टूडेंट, ये याद रखना, .dwg ये ड्राइंग फाइल का एक्सटेंशन होता है। ACD नहीं होगा, PRT नहीं होगा, SWG नहीं होगा, DWG होता है। ये ऑलवेज रिमेंबर, ऑटोकैड ड्राइंग फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .dwg होती है। तो ये इसका आंसर C3 हो जाएगा, राइट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। देखो ये क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द रिवर्टेड गियर ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 86, द रिवर्टेड गियर ट्रेन एज शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ गियर ए एंड बी इन स्टेज 1 एंड गियर सी एंड डी इन स्टेज 2, द स्पीड रेशियो ऑफ स्टेज 1 इज 3, इफ द मॉड्यूल ऑफ गियर ए एंड बी इज 3 mm, कैलकुलेट नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए एंड बी, कैलकुलेट नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए एंड बी। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो ऑफ स्टेज 1, स्टेज 1 का मतलब है गियर ए और बी, तो स्पीड रेशियो जो कि क्या दिया हुआ है 3, ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर क्या है एन ए है, और स्पीड ऑफ ड्रिवन एन बी, ये दिया हुआ है, राइट। स्पीड रेशियो क्या होता है, स्पीड ऑफ ड्राइवर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ड्रिवन, तो ये 3 दिया हुआ है। इफ द मॉड्यूल ऑफ गियर ए एंड बी, देखो ए और गियर बी दोनों मैशिंग गियर है, तो दोनों का मॉड्यूल सेम होगा, तो मॉड्यूल क्या दिया हुआ है 3 mm, मॉड्यूल ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ बी इज इक्वल टू 3 mm दिया हुआ है, राइट। कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए, टी ए निकालना है और टी बी निकालना है। डियर स्टूडेंट ये रिवर्टेड गियर ट्रेन का डायग्राम बनाया हुआ, इस डायग्राम से साफ क्लियर है कि ए का रेडियस, गियर ए का रेडियस और गियर बी का रेडियस दोनों को सम करेंगे तो ये सेंटर डिस्टेंस 200 mm के बराबर होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं आर ए, रेडियस ऑफ ए गियर प्लस रेडियस ऑफ बी गियर इज इक्वल टू 200। रेडियस को मैं डायमीटर बाय 2 भी लिख सकता हूं, तो डी ए बाय 2 प्लस db by 2 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। यहां से अपने पास एक इक्वेशन आ गया, da प्लस db इज इक्वल टू 400 और da by db इज इक्वल टू 400 है, तो स्पीड रेशियो 3 दिया हुआ है na by nb, तो यहां पे मॉड्यूल डी स्टूडेंट da प्लस db 400 है, तो मॉड्यूल हमारा क्या दिया हुआ है यहां पे, मॉड्यूल दिया, मॉड्यूल होता है da by ta, मॉड्यूल 3 दिया हुआ है, तो 3 इज इक्वल टू da by ta, तो यहां से da को मैं 3ta लिख सकता हूं, da को 3ta लिख सकता हूं, सिमिलरली db को भी 3tb लिख सकता हूं, तो यहां से एक ta और tb के बीच में एक रिलेशन आ गया, एंड दैट रिलेशन इज ta प्लस tb इज इक्वल टू 400 by 3। जो निकालना है उसके टर्म में एक इक्वेशन अपने को पता चल गया इस रिलेशन से, और वो रिलेशन क्या था, रिवर्टेड गियर ट्रेन में ये रिलेशन फिक्स होता है बाय ज्योमेट्री। नाउ दूसरा कैसे अपने को निकाल सकते हैं, देखो डियर्सन NA बाय NB क्या दिया हुआ है, NA बाय NB स्पीड रेशियो 3 दिया हुआ है, राइट। और इसको मैं NA बाय NB को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अगर डाया के टर्म में लिखूंगा तो DB बाय DA, db by da is equals to 3 लिख सकता हूं, क्योंकि जो number of turns होता है na da is equals to nb db हो जाएगा, right? So na by nb को मैं db by da is equals to 3 लिख सकता हूं। Now db को क्या लिख सकता हूं, db को मैं क्या लिख सकता हूं, db को लिख सकता हूं, अभी मैंने लिखा db को 3tb by da को 3ta इज इक्वल टू 3, यहां से TB by TA इज इक्वल टू 1, TB by TA इज इक्वल टू 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 तो कैंसल ही हो जाएगा, तो यहां से TB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, TB इज इक्वल टू 3TA, और इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूं, इसमें पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, TA प्लस 3TA इज इक्वल टू 400 बाई 3, 4TA इज इक्वल टू 400 बाई 3,
सो यहाँ से डी उसमें टी ए क्या आ जाएगा, टी ए आ जाएगा 4 से ये 400, 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 100 बाई 3, तो टीथ ऑफ ए 100 बाई 3 हो जाएगा, तो टी बी क्या आ जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो टी बी हो जाएगा 100, टी ए हो जाएगा 100 बाई 3, सो एज पर दिस ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सो टी ए इज इक्वल टू 100 बाई 3 हो जाएगा और टी बी 100 हो जाएगा, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। इसको इरेज करते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पीपीसी सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग फर्स्ट बोथ ब्रेक इवन पॉइंट एंड डेल्फाई मेथड, ओनली डेल्फाई मेथड ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 ओनली ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज गैंट चार्ट। डियर स्टूडेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होता है कि किस ऑर्डर में चीजों को रखे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं गैंट चार्ट में। गैंट चार्ट क्या होता है, एक बार चार्ट होता है जिसमें टाइमलाइन के अलोंग हम रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, टाइमलाइन के अलोंग क्या करते हैं, रिसोर्स को एलोकेट करते हैं और इस तरीके से प्रोजेक्ट शेड्यूल करते हैं, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करते हैं, तो ये गैंट चार्ट विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें गैंट चार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कि इन कार्पेंट्री डैश इज यूज फॉर विथड्रॉइंग नेल्स। डिस्टूडेंट, कार्पेंट्री में जो कील गड़े हुए होते हैं उसको उखाड़ने के लिए, निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, पॉपिंग सॉ, नो, फर्मर चीजल, नो, कंपास सॉ, नो, पिंसर, पिंसर। डिस्टूडेंट, पिंसर इस टाइप का होता है, यहां पे इस टाइप का होता है, हम बेसिकली इसको प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे कील को फंसा लेता है और फिर यहाँ से खींच देते हैं, तो पिंसर ये इस टाइप का एक डिवाइस होता है, इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कील गरे हुए कील को उखाड़ने के लिए यूज करता है, तो कार्पेंट्री में ये पिंसर यूज होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। पिंसर और एक प्लायर्स में फर्क है, प्लायर्स से भी कई बार हम कील निकालते हैं लेकिन कार्पेंट्री वर्क में पिंसर इज द राइट टूल टू विथड्रॉ नेल्स, to withdraw nails, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लायर से कई बार निकाल देते हैं लेकिन प्लायर इज नॉट परफेक्टली मेड फॉर withdrawing nails, तो पिंसर इज द राइट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 कर लिया हमने, 90 तक हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, द आउटपुट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड, द आउटपुट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड, आउटपुट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। डियर स्टूडेंट, ब्लास्ट फर्नेस यूज होता है आयरन मेकिंग के लिए, स्मेल्टिंग के लिए, तो आयरन मेकिंग के लिए ब्लास्ट फर्नेस मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो उस टाइम जो ब्लास्ट फर्नेस से एग्जैक्टली जो आउटपुट निकलता है वो आयरन का नॉट सो प्योर फॉर्म होता है और वो पिग आयरन होता है, तो इसका राइट आंसर पिग आयरन होगा, रॉट आयरन से प्योर फॉर्म होगा तो ब्लास्ट फर्नेस से डायरेक्टली नहीं मिलता है, अलॉय स्टील तो हो नहीं सकता, लो कार्बन स्टील भी नहीं होगा, तो पिग आयरन ऑलवेज याद रखना कि आउटपुट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस होता है। ब्लास्ट फर्नेस क्या है, एक फर्नेस है जहां पे हम मेल्ट करके आयरन बनाते हैं, राइट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, द एप्रोक्सीमेट कार्बन परसेंटेज इन द कास्ट आयरन इज, द एप्रोक्सीमेट कार्बन परसेंटेज इन कास्ट आयरन इज 0.5 to 1%, नो, लेस देन 0.1%, नो, 2.5 to 4%, यस, कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है, तो कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, 2.5 to 4% तक होता है, कई बार 3.5 भी बोलते हैं, 2.5 to 4% का रेंज होगा, 0.1 से 0.5 नहीं हो सकता, ये सब लो कार्बन परसेंटेज है, सो हमेशा कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा हायर साइड में होता है, तो 2.5 to 4% इज द कास्ट आयरन
कार्बन परसेंटेज। सो आई होप इस वीडियो में आपको जो 90 क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया उससे आपने काफी कॉन्सेप्ट लर्न किया होगा और क्वेश्चन के आंसर भी लर्न किए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर जरूर करना मत भूलना। आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेके जहां पे हम 90 से आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।